तो यहाँ पर दोस्तों अल्फा की प्राइसिंग देखा जाए बोट ब्रांड के हिसाब से काफ़ी कम रखी गई है, 999 रुपीज़ का प्राइस पॉइंट रखा गया है वैसे, लेकिन आउटपुट से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है कि नहीं वो हम लोग करते हैं हैवी टेस्टिंग करने के बाद इस वीडियो में। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के, आप लोगों के ऑलरेडी भोर भोर के कॉमेंट्स आ चुके हैं, भोर के। हाँ दीक्षा जी क्या चल रहा है। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के ऑलरेडी भर के कमेंट्स आ चुके हैं कि हमें रिव्यू करना चाहिए बोट एयरडोब्स अल्फा ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को। ये हाफ ने डिजाइन के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है। इसका लॉन्च प्राइस 800 रुपये के आसपास था, अब प्राइसिंग बढ़ के 999 रुपीज़ 1000 रुपये के आसपास हो गए हैं। और देखा जाए बोट मोस्टली क्या 1500 के आसपास ईयरबड्स लॉन्च करता है, मतलब निकालता है, लेकिन 1000 रुपये के हिसाब से ये कितने वर्दी प्रोडक्ट है। हम करेंगे सारी टेस्टिंग और देखेंगे कि जो आउटपुट है उससे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है कि नहीं, ताकि एंड तक पहुँचते आप डिसाइड कर पाएँ सारी टेस्टिंग देखने के बाद कि इसको आपको ग्रैब करना चाहिए कि नहीं। So hope you like this one and if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So let's get started. करते हैं शुरुआत इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको बोट एयरडोब्स अल्फा ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा बॉक्स मिलेगा और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव। और साइड में और बैक साइड में काफी फीचर्स मेंशन किए गए, हम सब डिटेलिंग में चेक करेंगे वीडियो में आगे। क्विकली करेंगे इसको अनबॉक्स। हमेशा की तरह आपको भर के पेपर वर्क मिलने वाला है, वारंटी कार्ड, बोर्ड का ब्राउचर, यहाँ पे कुछ ट्रम्प कार्ड्स मिल जाएंगे, पत्ते खेलना चाहे फैमिली के साथ वो भी आप कर सकते हैं। एक आईएमआर बोर्ड का स्टिकर मिल जाएगा, साथ ही में आपको बहुत सारे अलग अलग स्टिकर्स ही मिलने वाले हैं बढ़िया क्वालिटी के, जो आपको यहाँ पे अप्लाई करना हो आराम से अप्लाई कीजिएगा। एक छोटी सी आपको लेंथ की, बिल्कुल पिद्दी सी लेंथ की आपको टाइप सी की चार्जिंग केबल मिलेगी टू चार्ज योर केस। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द केस यू विल बी गेटिंग, बिल्कुल आपको पिद्दा सा कॉम्पैक्ट सा ही, यहाँ पे आपको काफी सॉफ्टनेस दी गई है केस में। फ्रंट में आपको एक ऐसे लाइट्स का ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल सर्कुलर लाइट दी गई है बोर्ड की ब्रांडिंग के साथ। नीचे आपको यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा और काफी यहाँ पे सॉफ्टनेस दी गई है, बढ़िया लग रहा है, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट यहाँ पे आपको केस मिलने वाला है। और जो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको अच्छी मिल जाएगी उसको लेके मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं लग रही केस को लेके। और बहुत ही छोटा सा केस है, आप देख सकते हैं मुट्ठी में आराम से उसको कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबल तरीके से कैरी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी पोर्टेबिलिटी पार्ट को लेके। और केस को आप ओपन करेंगे दोनों ही बड्स पैक्ड हैं और यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं प्रॉपर मैग्नेट्स, गिरते नहीं ईयरबड्स केस के अंदर से, लेकिन जो केस का लॉक दिया गया ऑटोमेटिक ऐसे बंद हो जाता है। आपको थोड़ा मेरे हिसाब से प्रॉमिसिंग लॉक देना चाहिए था, इसको आपको ऐसे होल्ड करके रखना पड़ेगा। और इसमें आपको मिलने वाला है इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी, एक प्लस पॉइंट। अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुके हैं, सिंपली आप केस को ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं लास्ट पे डिवाइस से कनेक्शन स्टैब्लिश कर देगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। और केस को आप बंद करेंगे आप डिस्कनेक्शन भी सही तरीके से हो जाएगा, इसका IEEE फीचर सही तरीके से वर्क करता है। और बड्स आपको मिलने वाला है स्टेम शेप के, हाफ ने डिजाइन के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, बोट का लोगो यहाँ पे दोनों में आपको लगा हुआ मिल जाएगा। और काफी आपको यहाँ पे सॉफ्टनेस दी गई है बड्स को लेके भी, ग्लॉसीनेस भी मिल जाएगी दोनों ही बड्स में, लुक एंड फील अट्रैक्टिव दिया गया है बड्स को लेके, जो डिजाइन दिया गया उसको लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और इसमें जो टच कंट्रोल्स दिए गए हैं साइड में, बिल्कुल आप बोल सकते हैं साइड से आप एक्सेस कर सकते हैं टच कंट्रोल्स को लेके। और फिटिंग की बात कर लेंगे, ये हाफ एंड डिजाइन के ईयरबड्स हैं, ऐसे कोई ईयर कप्स तो नहीं है, कानों में आपके सिंपली लटक जाएंगे, आपको साफ साफ जो एक्टिविटीज है बाहर की पता चलेंगे आपके बैकग्राउंड में क्या हो रही है। और ये लाइट वेट ईयरबड्स आप लॉन्ग आवर्स के लिए यूटिलाइज वैसे कर सकते हैं, मैंने काफी कोशिश भी की हुई है गिराने की, कानों से गिरते भी नहीं है, सही तरीके से लॉक प्रोवाइड कर देंगे। टच कंट्रोल से कैसे वर्क करते हैं वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम नजर डालते हैं इसके फीचर्स पार्ट को लेकर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 13 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC कोडेक का सपोर्ट, इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी। इसमें आपको डुअल माइक्स का सेटअप मिलेगा विद एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन फीचर, डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली आपको 7 से 8 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा और सिंगल चार्ज, लगभग आप ईयरबड्स को केस यूज करके 3 से 4 बार फुली चार्ज कर सकते हैं। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, 5 मिनट आप केस को चार्ज करेंगे लगभग आपको 1 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा। फीचर्स को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, इंप्रेसिव आपको यहाँ पे फीचर्स मिलने वाले हैं। टच कंट्रोल्स की बात करेंगे, उनका हिसाब किताब ऐसा है, अगर आप किसी भी ईयरबड को यहाँ पे सिंगल टैप करेंगे म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को म्यूजिक पॉज होगा, राइट ईयरबड को डबल टैप करेंगे तो नेक्स्ट ट्रैक पे लेके जाएगा, लेफ्ट ईयरबड को डबल टैप करेंगे प्रीवियस ट्रैक पे लेके जाएगा, लेफ्ट ईयरबड को अगर आप यहाँ पे ट्रिपल टैप करते हैं जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है एक्टिवेट हो जाएगा आपके फोन का, आप कमांड से यूटिलाइज कर सकते हैं। राइट ईयरबड को अगर आप ट्रिपल टैप करेंगे गेमिंग मोड बीस्ट मोड में ऑन कर देगा, आपको कानों में प्रॉम्प्ट सुनाई देगा बीस्ट मोड करके, फिर से ट्रिपल टैप करेंगे राइट ईयरबड को ये गेमिंग मोड से एग्जिट कर जाएगा। इनकमिंग कॉल को एक्सेप्ट करने के लिए सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए डबल टैप कर देंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा, इनकमिंग कॉल को डायरेक्टली रिजेक्ट करने के लिए अगर आप डबल टैप कर देंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। और वॉल्यूम का इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया गया, वॉल्यूम आपको मोबाइल फोन के थ्रू ही कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो टच कंट्रोल दिए गए ना साइड में दिए गए ऐसे, तो आपको कभी कभी लग सकता है थोड़ा बहुत इशू फेस होगा उसको लेके, मैं बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं था टच कंट्रोल्स को लेके, बहुत ज्यादा स्मूथ तरीके से वर्क नहीं कर रहे थे, कभी कभी एक्सीडेंटल टचेस भी हो रहे थे, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं टच को लेके आपको लगेगा कि यार थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इरिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सामने होने चाहिए टच कंट्रोल्स, यहाँ पे साइड में नहीं होने चाहिए एज पर माई एक्सपीरियंस। बात करेंगे गेमिंग एक्सपीरियंस की, 50 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी क्लेम किए, आप ले लीजिए एक BGMI का गेम टेस्ट।
में यहाँ पे आपको अच्छी मिलने वाली, जो मेनली इन ऑडियो एक्सपीरियंस है, आपको लाउड मिल जाएगा, क्लियर मिल जाएगा, आप पता कर पाए एनिमीज कहाँ से आ रही, लेफ्ट से कि राइट से, स्टीरियो सेपरेशन को लेकर ज्यादा इशू फेस नहीं हुआ, लेकिन लेटेंसी आपको लग सकती है माइनट से हल्की, कहीं ना कहीं लग सकता है कि हाँ हल्का सा माइनट सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से लग सकता है कि हल्का सा लगा लेटेंसी, मतलब बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं है लेटेंसी मामले को लेकर, आपको ज्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन मतलब बोल सकते ना आपको डिसेंट गेमिंग मिलने वाली, हल्की फुल्की बोल सकते, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत लेटेंसी देखने को मिल सकती है अगर आप बिल्कुल गौर से गेमिंग करेंगे तो, लेकिन आपको यहाँ पे सही गेमिंग मिल जाएगी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बात करेंगे अब साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। 13 mm डायनेमिक ड्राइवर्स हैं, एसबीसी कोडेक का सपोर्ट है, एसी कोडेक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। और जो लाउडनेस आपको अच्छी खासी मिलने वाली है, लेकिन जो बोलते हैं ना फुल वॉल्यूम पे लग सकता है, तो क्लैरिटी हल्की फुल्की जो बोलते हैं ना इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन को लेके, वोकल्स आपको सही मिल जाएंगे, ट्रेवल्स भी आपको सही मिलने वाले, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन है वहाँ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है एज पर माई एक्सपीरियंस, तो वहाँ थोड़ी बहुत बेटरमेंट होनी चाहिए थी, बाकी आपको अच्छी डिटेलिंग मिल जाएगी म्यूजिक पार्ट को लेकर, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन हल्के फुल्के क्लियर होने चाहिए एज पर माई एक्सपीरियंस। इसकी बात करें बेसिस में आपको डिसेंट मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं है, मतलब ये क्या अगर आप कानों में इसको ऐसे दबा के रखेंगे तब आपको लगेगा बेस इफेक्ट्स आ रहे हैं, हालांकि ऐसे कोई दबा के ईयरबड्स तो गाने सुनता नहीं है कोई, नॉर्मली आप लगाएंगे ना आपको लगेगा डिसेंट बेस इफेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं है, आप बोल सकते हैं डिसेंट आपको यहाँ पर प्रॉपर सॉफ्ट सॉफ्ट बेस इफेक्ट्स आएंगे, तो बेस ज़्यादा इसमें आपको मतलब बोल सकते हैं पावरफुल बूस्टेड नहीं मिलने वाले हैं। बात करेंगे कॉलिंग की, इसमें आपको एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन फीचर दिया गया है हमारा, आप देख लीजिए DRS दीक्षा रिव्यू सिस्टम। हेलो, हाँ दीक्षा जी, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी नेस्टा रिव्यू के साथ। ओके ओके, यहाँ पे अभी मेरे पास ना बोट ब्रांड की तरफ से बोट एयरडॉप्स अल्फा ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं, मैंने परचेज किए हुए हैं। अभी मैं उनसे ऑफिस के बाहर रोड साइड कंडीशन में खड़ा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज तो मैं कंपैरेटिवली कैसी आ रही है? आवाज तो काफी क्लियर आ रही है, लाउडनेस भी अच्छी है, हालांकि गालियों में जाने की आवाज भी आ रही है, थोड़ी सी विंड नॉइज भी आ रही है, लेकिन तुम्हारी आवाज से फोकस है। कितना परसेंटेज मेरी आवाज से फोकस बोल सकते हो? 80-85% फोकस है। ऐसे कोई दिक्कत आ रही कॉलिंग क्वालिटी कंपैरेटिवली? नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है दीक्षा जी, थैंक यू। ओके, हाँ बाय। कॉलिंग यहाँ पे काफी आपको इंप्रेसिव मिलने वाली है, जो वोकल से अच्छे तरीके से लाउड और क्लियर सुनाई देंगे सामने वाले को, इंडोर कंडीशन में आप कॉलिंग करते हो उसको लेके कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आउटडोर कंडीशन में भी है, नॉर्मल ट्रैफिक में है, घर के रोड साइड पर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हैवी ट्रैफिक कंडीशन में तो एक्टिविटी थोड़ी बहुत कैच कर लेगा बैकग्राउंड की, लेकिन इसमें आपको प्राइस पॉइंट के हिसाब से 1000 रुपये के हिसाब से अच्छी आपको कॉलिंग मिलने वाली है। अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेमिंग एक्सपीरियंस को आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8 out of 10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 7.5 out of 10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 8 out of 10 और मैं गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा 8.5 out of 10। दिस आर रेटिंग्स टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरबड्स अप्रॉक्सिमेटली 999 rupees, और 999 rupees के हिसाब से एक अच्छा पैकेज है, ना ही खराब बोल सकते हैं ना ही बहुत परफेक्ट बोल पाएंगे, आप बोल सकते हैं आपको एक डिसेंट पैकेज मिल जाएगा, मेनली अगर आपको एक हाफ नए डिजाइन के ईयरबड्स चाहिए बोट ब्रांड की तरफ जाना है, एक ओवरऑल ये डिसेंट पैकेज है, अगर आपको कैजुअल पर्पस के लिए ईयरबड्स चाहिए, ओवरऑल आपको जो पर्पस है फुलफिल हो जाए कैजुअल पर्पस की, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत है कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज रेटिंग्स क्वालिटी टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बोट ईयरडॉप्स अल्फा ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। Hope you like this one. And as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel. Hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.